हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शांग, योर स्टार फ्रेंड्स। आज आपको मेरे पिंक पिंक कपड़े देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ। मेरा कपड़े ड्रेस भी पिंक है, मेरा हेयर बैंड भी पिंक है, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ। आज मैं करने वाली हूँ मूविंग ऑन सेक्स थिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब आज के पूरे दिन में मैं पहने भी पिंक पिंक कपड़े वाली हूँ और खाने में पिंक पिंक खाने वाली हूँ। तो ये चार्ज होने वाला है बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग और मजेदार भी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे अपनी भी फेवरेट है। अब इसे टेस्ट करते हैं। खा सकता तो ठीक है, खा ला। अब मैं जल्दी से अपनी यम्मी सी पिंक पिंक मैगी को फिनिश करती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने और आप देख सकते हैं इसका पिंक कलर कितना ज्यादा प्रिटी है। और अब हम लोग इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर इस टाइप के ट्यूब्स हैं जो कि पिंक कलर की। और मॉल में मुझे पिंक कलर की जो है वो बहुत टाइप से मिल रही थी पर उसका रैपर ही पिंक था, उसके अंदर का कुछ भी पिंक नहीं था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पिंक चीजों को फाइंड करना। पर ये तो मुझे पिंक चीज मिल गई है अंदर से प्रॉपर, इससे हम लोग खा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अपने डिनर और डेजर्ट जो है वो घर पर कुक करने वाले हैं। तो अब मैं जल्दी से अपने स्नैक को फिनिश कर दूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ डिनर टाइम पर।
देखते हम लोग पिंक कलर का कुछ भी कर पाते हैं अभी नहीं। तो अब फाइनली हो गया है मेरा डिनर टाइम। तो डिनर में हम लोग बनाने वाले हैं पिंक फ्रूट केक। तो फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 2 कप सूजी जो कि मैंने जार में डाला मिक्सी के, और उसके बाद उसे मिक्सिंग बाउल में डालकर उसमें डाली पाउडर शुगर 1 कप, और उसके बाद डाला 4 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर से जो है वो फ्रूट केक का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला मिल्क, और मिल्क डालकर से मिक्स 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 किया, और उसके बाद पिंक कलर डालने के लिए मैंने इसमें डाला पिंक बीटरूट का जूस, और ये प्रॉपर पिंक कलर का हो गया था और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद इसमें मैंने डाला वनीला एसेंस, और उसके बाद मैंने इसमें डाली बहुत सारी जेम्स, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स जो कि क्रश्ड थे, और डालने के बाद मैंने इसे करा मिक्स मिक्स मिक्स, और उसके बाद आए मेन चीजें जो कि है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और हमारा बैटर हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने उसे अपनी टिन में जो है वो ट्रांसफर किया, वो भी घी ग्रीस कर, और उसके बाद मैं उसे बेक कर लिया, और हमारा केक रेडी है। अब इसे जल्दी से डेकोरेट कर लेते हैं। मेरा जो केक है वो रेडी हो चुका है, और ये बैटर पूरा पिंक था पर बेक होते होते वो पूरा थोड़ा येलोइश का हो गया, तो मैंने उसमें पिंक वाला स्ट्रॉबेरी ग्लेशियर डाल दिया, और उसके साथ मैंने अपनी पिंक केक जेम भी रख दिया। अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट चैलेंज कब मिलेगा।